क्यों कब बोई जाती है। तो एक दिन मेरे साथ पूरा दिन किसी खेत में चल कर के गेहूँ की कटाई करें, मैं तो सही मेरे सामने बैठ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, बैठना बहुत दूर की बात है। आप जब ये कहोगे कि भी आप दिनों की हमारे बीच में बैठो और कुरुक्षेत्र की जनता को बताओ कि भी आप क्या करना चाहते हो और आपने क्या किया था, ये एक मिनट नहीं टिक पाएंगे मेरे साथ, आएंगे नहीं। और इस चुनाव के समय में कुरुक्षेत्र की धरती पर आते हैं ऐसे लोगों को अब की बार प्रदेश की जनता बहुत सबक सिखाएगी। अब लोग बहुत समझदार हो गए, नवीन जिंदल जी 10 वर्ष से कभी कुरुक्षेत्र की धरती पर नहीं आए। अब भाजपा की टिकट लेकर के आए, इसी तरह जो सुशील गुप्ता जी है 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, अनेक दिक्कतें हरियाणा के लोगों के सामने आई, कोरोना काल से लेकर के किसान आंदोलन तक दोनों की एक भी दिन की कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि आज लोग परेशान हैं। कोरोना में जहाँ किसान परेशान था, जहाँ आम आदमी दुखी था, जहाँ दवाइयों का अभाव था, ये बहुत पैसे वाले लोग थे, इन्होंने कहीं एक दिन भी ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि हमें कोई 2 रुपया आम लोगों पे कहीं जा कर के खर्च करने, जबकि मेरे घर के दरवाजे खुले थे, जितना अनाज था वो सारा मैंने कोरोना काल में दिया, और जो भी मेरे से जो उम्मीद की जाती थी, इवन कोरोना के समय में मैंने पीपी किट मुहैया कराई, मेडिसिन मुहैया कराई, सैनिटाइजर मुहैया कराई, और थोड़े नहीं बहुत बड़ी संख्या में। इन्होंने तो एक पैसा भी कोरोना में कहीं खर्च नहीं किया। और फिर किसान आंदोलन हुआ, उसमें लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी, आज कोई गेहूं काट रहा है, कोई बोरी उठा करके घूम रहा है, ये मान के चलो ये सब ढोंगी है। और अब जनता बस इस मामले में समझदार है, इनका असली चेहरा बेनकाब करते हैं। कोई गेहूं काट रहा है, कोई गेहूँ की उसको बोरियों को ढो रहा है चुनाव के अंदर, इनसे पूछो आप, आपको जब मिले कि क्यों कब बोई जाती है, कब पानी दिया जाता है, कब उसमें खाद दी जाती है, और कब उसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर ये सही मायने में किसान के हितेश ये कहते हैं कि हम भी खेती करने वालों में से, तो एक दिन मेरे साथ पूरा दिन किसी खेत में चल करके गेहूँ की कटाई करें। दोनों नेताओं को आप चैलेंज करते हैं? हाँ, खुली डिबेट के लिए आए तो सही, मेरे सामने बैठ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, बैठना बहुत दूर की बात है। आप जब ये कहोगे कि भी आप दिनों की हमारे बीच में बैठो और कुरुक्षेत्र की जनता को बताओ कि भी आप क्या करना चाहते हो और आपने क्या किया था, ये एक मिनट नहीं टिक पाएंगे मेरे साथ। चौधरी अभय चौटाला फाइट करने के लिए तैयार हैं, डिबेट के लिए तैयार, अगर कहीं डिबेट कराई जाती है आपको बुलाओ तो सही, आएंगे नहीं। और इस चुनाव के समय में कुरुक्षेत्र की धरती पर आते हैं ऐसे लोगों को अब की बार प्रदेश की जनता बहुत सबक सिखाएगी। अब लोग बहुत समझदार होंगे, नवीन जिंदल जी 10 वर्ष से कभी कुरुक्षेत्र की धरती पर नहीं आए। अब भाजपा की टिकट लेकर के आए, इसी तरह जो सुशील गुप्ता जी है 5 साल राज्यसभा का मेंबर रहा, अनेक दिक्कतें हरियाणा के लोगों के सामने आई, कोरोना काल से लेकर के किसान आंदोलन तक दोनों की एक भी दिन की कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई कि आज लोग परेशान हैं। कोरोना में जहाँ किसान परेशान था, जहाँ आम आदमी दुखी था, जहाँ दवाइयों का अभाव था, ये बहुत पैसे वाले लोग थे, इन्होंने कहीं एक दिन भी ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि हमें कोई 2 रुपया आम लोगों पे कहीं जा कर के खर्च करने, जबकि मेरे घर के दरवाजे खुले थे, जितना अनाज था वो सारा मैंने कोरोना काल में दिया।
और जो भी मेरे से जो उम्मीद की जाती थी, इवन कोरोना के समय में मैंने पीपी किट मुहैया कराई, मेडिसिन मुहैया कराई, सैनिटाइजर मुहैया कराए, और थोड़े नहीं बहुत बड़ी संख्या में। इन्होंने तो एक पैसा भी कोरोना में कहीं खर्च नहीं किया। और फिर किसान आंदोलन हुआ, उसमें लोगों के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी। आज कोई गेहूं काट रहा है, कोई बोरी उठा करके घूम रहा है, ये मान के चलो ये सब ढोंगी है। और अब जनता बस इस मामले में समझदार है, इनका असली चेहरा बेनकाब करती है। कोई गेहूं काट रहा है, कोई गेहूँ की उसको बोरियों को ढो रहा है चुनाव के अंदर, इनसे पूछो आप, आपको जब मिले कि क्यों कब बोई जाती है, कब पानी दिया जाता है, कब उसमें खाद दी जाती है, और कब उसको निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। अगर ये सही मायने में किसान के हितेश ये कहते हैं कि हम भी खेती करने वालों में से, तो एक दिन मेरे साथ पूरा दिन किसी खेत में चल करके गेहूँ की कटाई करें। दोनों नेताओं को चैलेंज करते हैं। हाँ, खुली डिबेट के लिए आए तो सही, मेरे सामने बैठ ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, बैठना बहुत दूर की बात है। आप जब ये कहोगे कि भी आप तीनों की हमारे बीच में बैठो और कुरुक्षेत्र की जनता को बताओ कि भी आप क्या करना चाहते हो और आपने क्या किया था, ये एक मिनट नहीं टिक पाएंगे मेरे साथ। चौधरी अभय चौटाला फाइट करने के लिए तैयार हैं, डिबेट के लिए तैयार है, कहीं डिबेट कराई जाती है? बुलाओ तो सही, आएंगे नहीं।